हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम डीएम पे भी ना काफ़ी सारे लोग कह रहे थे मुझे कि अपना कुछ रूटीन वीडियो शेयर कीजिए। तो आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बजे ही ज़्यादातर मैं उठ जाती हूँ, इसी के आसपास तकरीबन। और सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे अपना ड्रिंक, यानी कि मॉर्निंग ड्रिंक मैं जो लेती हूँ, और ये मेरा कंपलसरी है लेना, इसके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो आज कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तेज पत्ते के साथ हम लोग अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाएंगे। और आप चाहें तो इसको रात में भिगो करके भी रख सकते हैं और सुबह गर्म करके इसको पी लीजिए, लेकिन मैं एज़ यूजुअल रात में भिगोना इसको भूल गई, तो सुबह ही मैंने इसको डायरेक्ट गर्म किया है। और इसको मैंने लिया है ताकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, तो वेट लॉस करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। और रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस ये आया है कि मैं अब वॉक पे नहीं जा रही हूँ आजकल, बस कभी बच्चों की वजह से। आजकल वीर की तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती है तो वो जल्दी उठ जाता है, तो मैं सोचा कि क्यों ना अब घर पे ही बैठ करके योगा स्टार्ट करी जाए। बाय द वे, आज तीसरा ही दिन है जब मैं योगा कर रही हूँ, और मैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में योगा अपना बढ़ाती हुई जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी से ही इंटेंस योगा करना शुरू कर दूँगी या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक योगा करना शुरू तो फिर बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होगी, और आपको पता ही है बॉडी पेन होगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, वो भी हमें ही रखना है। तो बहुत धीरे धीरे करना स्टार्ट किया है, और केवल आधा घंटा मैं करती हूँ, और हर एक्सरसाइज का 10 या 5 इस तरीके से मैंने नंबर वाइज स्टार्ट करा है कि 5 बार करूँगी या फिर 10 बार करूँगी कोई भी एक्सरसाइज, कुछ इस तरीके से स्टार्ट करी है। एक और चीज़ जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है मेडिटेशन। तो काफ़ी ज़्यादा मैं इसके बारे में आजकल पढ़ रही हूँ या फिर दूसरे लोगों से सुन रही हूँ कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, या फिर किस तरीके से हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं, जो भी है बेसिकली वो सब मैं आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ मेडिटेशन को करने के लिए। मैंने आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं किया था। एंड यहाँ पर मैंने हिंदी का जो गाइडेड मेडिटेशन है वो उसकी वीडियो मैंने यहाँ पर लगाई है, एंड ट्रस्ट मी 15 मिनट ना कब निकल गए पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। एक और चीज़ मैंने स्टार्ट करी है यहाँ पे, डायरी लिखना या फिर ग्रेटिट्यूड करना भगवान जी को। एक्चुअली लाइफ में ना मैंने बहुत कुछ नेगेटिव देखा है, और इससे ज़्यादा नेगेटिव किसी के साथ हो नहीं सकता जो मेरे साथ हुआ है, लेकिन अब अपनी सोच को मैं पॉजिटिव करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अब जो भी चीज़ें हैं वो सब बेहतर हों, इसलिए मेडिटेशन और ये ग्रेटिट्यूड वगैरह चीज़ें मैंने स्टार्ट करी हैं। होप्स कि सब अच्छा हो आगे। एंड बस यहाँ पे सूरज देवता भी निकल गए हैं, और अब दिन की जो भागम भागी है वो स्टार्ट होती है। तो कुछ काम ऐसे होते ना कि जो मैं स्पेशली चाहती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले शांत दिमाग से मैं कर लूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपना डिटॉक्स वाटर बना करके रख दूँगी ताकि अच्छी तरीके से बन जाए, और फिर 1 घंटे के बाद मैं इसको लेना स्टार्ट कर दूँ। तो आज मैंने इसमें लेमन और चिया सीड का यूज़ किया है, खड़े का पानी मैं भर देती हूँ। पता है आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछो मत, लेकिन खड़े का पानी इतना अच्छा और ठंडा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती। हमारे घर में ना फ्रीज का पानी बहुत कम पिया जाता है, लेकिन इसलिए खड़ा रखा गया है। तो यहाँ पर ना मैंने बच्चों की बॉटल्स भी फिल करके रख दी हैं, कितनी बार ना मुझे पता ही नहीं चलता कि इन लोगों ने कितना पानी पिया है और कितना पानी नहीं पिया, तो मैंने पहले ही टारगेट सेट कर दिया है कि इतना पानी तो इनको देना ही देना है, तो वो मैंने पहले ही फिल करके रख दिए हैं। और जितने कंटेनर्स खाली थे जिनमें चीज़ें करनी थी वो सब भी कर दिए, क्योंकि ये काम अगर ख्यारा और वीर के उठने से पहले ना करूँ ना तो पता है बच्चे हाथ वाथ मारते हैं, चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं कि पूछो मत, फिर बहुत काम फैल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम प्लांट्स, जो इंडोर के प्लांट्स मैं कुछ लेके आई थी यहाँ पे, तो वो मैं बाहर रख देती हूँ। सुबह के टाइम ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो सुबह के टाइम अच्छा लगता है कि थोड़ी देर बाहर रख दो और थोड़ा सा पानी वगैरह मैंने दे दो। तो रोज़ तो पानी देना नहीं पड़ता है, तो बस थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है। तो ये लीजिए, वीर भी उठ के बैठ गए हैं और अब इनकी शैतानियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो सुबह सुबह तो बहुत ही आराम से बैठा रहता है, लेटा रहता है। अच्छा ठीक है, आप जितना मुझे प्यार करना है उतना प्यार कर लो। दोनों ही बच्चे मेरे ना बहुत सुबह उठ के बहुत ही फ्रेश रहते हैं, हैप्पी होके उठते हैं, मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये लगती है, कभी रोते हुए नहीं उठते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी ना थोड़ी देर बाहर लेके आई हूँ, तो 5-10 मिनट मैं इसके साथ हैप्पी होके बैठूंगी। अच्छा, पेरेंटिंग में मैंने कहीं पढ़ा था कि सुबह का टाइम बच्चों के साथ बहुत अच्छे से
बिताना चाहिए, या फिर रात को सोते हुए बहुत अच्छे से इनको हैप्पी करते हुए रात को सुलाना चाहिए और सुबह को उठाना चाहिए, तो वही ट्राई मैं कर रही हूँ। चलिए अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए, और आज बन रहे हैं पनीर के पराठे। और पनीर के पराठे में प्याज न डले तो मज़ा नहीं आता, तो अच्छी खासी प्याज डाली है। मिर्ची आजकल मुझे पसंद आने लगी है, पता नहीं क्यों, वहाँ पर जब मैं US में थी तब तो मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना मिर्ची स्टार्ट हो गई है। बस हरा धनिया और ये सब मिक्स करके मैं स्टफिंग तैयार कर दूंगी। और यहाँ पे हमारे जो वीर महाराज हैं वो हमारे प्याज और आलू से बॉल की तरह से खेल रहे हैं। और अब आप ये ड्रॉज देख रहे हो ना, यहाँ पे इसी के हिसाब की हमने चीज़ें रख रखी हैं कि ये आता है, खोलता है, चीज़ों को खेलता है और फिर हम दोबारा चीज़ें वहीं पर रख देते हैं सारे बर्तन। खैर अभी पता है आप देख रहे हैं ना, आजकल समर वेकेशन स्टार्ट हो गए और जहाँ भी देखो ना वहाँ पे बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे, टहलते टहलते नज़र आते हैं, और सभी लोग बहुत ही मतलब फ्रेश माइंड से आराम से अपना काम दिन शुरुआत करते हुए लगते हैं, तो मतलब अच्छा लग रहा है आजकल। तो चाय बन रही है पराठों के साथ, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती लेकिन बाकी लोग तो चाय पीते ही हैं ना, तो उनके लिए बना रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी हमारे बन गए हैं। स्टफिंग हमारे बच्चों के लिए मैंने अलग निकाल दी है बिना मिर्ची की, और मिर्ची वाली हमारी अपनी अलग निकल चुकी है। और फाइनली कियारा मैडम भी हो चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा प्यार करना पड़ेगा, थोड़ा सा हैप्पी करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, और तब ये मैडम उठेंगी। ड्राई फ्रूट्स मैं देती हूँ ना, ड्राई फ्रूट्स ये लड़की कभी नहीं खाती, बेटा अच्छे से खा लेता है, उसको किशमिश बहुत पसंद आती है तो वो खूब अच्छे से खाता है, लेकिन ये लड़की बिल्कुल नहीं खाती है। पर ट्राई करूँगी, बहुत इंप्रूवमेंट है कियारा के खाने पीने में, पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती थी लेकिन आजकल थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करने लग गई है। और अब मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अच्छा ब्रश ये पहले तो मैं इसको खुद ही दे देती हूँ कि आप अपने आप कर लो, जितना इसका मन है उतना कर लें, करने के बाद फिर मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। और बच्चे तो खैर शाम को ही नहाते हैं, तो सुबह के टाइम बस मैं उनको ऐसे ही हाथ मुंह धो के ब्रश करवा के उनको तैयार कर देती हूँ। और अब मैं इसको तैयार करूँगी स्कूल के लिए। बच्चों का पता नहीं चलता कौन सी चीज़ वो कब पिक कर लेते हैं, क्या सीख जाते हैं समझ में नहीं आता। तो अब नंबर आया है कि मैं जो कमरा है या फिर बेडशीट है उसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं तो इतनी जल्दी हो नहीं पाती है, तो इसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। और मैंने अपना रूम जो है बिल्कुल ही सिंपल रख रखा है, कोई भी मैंने अटरम चटरम चीज़ें यहाँ पर नहीं सजा रखी हैं, क्योंकि बच्चे कुछ घेर देते हैं फिर नुकसान होता है, तो इसलिए मैंने वो सब चीज़ें रखी ही नहीं है। और अब सबका ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है। बस अब ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जाएंगे कियारा को स्कूल छोड़ने के लिए। समर कैंप में जा रही है और यहाँ पे ना बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं इसको, DIY क्लासेस में मैंने इसको डलवाया हुआ है, और दो चार चीज़ें और हैं जिसमें ये फूड वगैरह ये सब चीज़ें सीखती है, और यहाँ पे अच्छा फुल टाइम पास होता है इसको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कलरिंग बहुत अच्छे से करने लग गई है, तो ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है। और 2 या 3 घंटे के लिए जाती है तो ठीक है, इतनी देर में फिर मैं घर पर आने के बाद अपना काम कर लेती हूँ। अच्छा जब तक मैं कियारा को छोड़ के आती हूँ ना, तब तक माँ किचन का काफ़ी ज़्यादा काम कर देती है, उनकी स्पीड काम करने की बहुत ज़्यादा है, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं तो फिर भी ढीले ढूले टहलते टहलते काम करती हूँ। खैर तो अभी किचन वगैरह सब सिमट गई है, काम ऑलमोस्ट हो गया है डन हमारा, और अब मैं लगाऊंगी अपना फेस पैक। तो मैं यहाँ पे एक नया फेस पैक बना रही हूँ जिसमें मैंने बेसन और मुलेठी पाउडर मैंने लिया है, तो चेहरे पर ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे दाग धब्बे से हैं, तो मुलेठी पाउडर से ना बिल्कुल सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है और इनको मिक्स कर लेना है। देखिए मुलेठी पाउडर अगर ऑर्गेनिक हो तो, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पास जियो नरिश यानी कि जो कि मेरा अपना ब्रांड है वो ऑर्गेनिक पाउडर है, आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये पाउडर ना अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके अगर चेहरे पर झाइयाँ हैं, धाग धब्बे हैं ना, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, तो आप ट्राई करके देखो। और मुलेठी पाउडर को ना मतलब बिल्कुल इस तरीके से सोचिए कि जैसे आप डेली अपना स्किन केयर कर रहे हो, इसको लगा के देखो और आप देखेंगे आपके चेहरे से झाइयाँ वगैरह ये सब दाग धब्बे सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो फेस पे मैंने फेस पैक लगाने के बाद ना मैं बाकी काम कर लेती हूँ, ताकि जब तक ड्राई भी हो जाएगा तो मैं वीर को तैयार कर देती हूँ, उसकी थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ, और जितनी भी अगर उसे दवाइयाँ वगैरह कुछ देनी है तो वो कर देती हूँ। तो बेसिकली ये काम मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कर लूँ और जो मेरा फेस पैक है वो भी ड्राई हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ।
तो ये सब काम करते करते मुझे तकरीबन 10 या फिर 9:45 के करीब हो जाते हैं, और नहाने के बाद मैं सीधा अपना स्किन केयर करती हूँ, जिसमें काफ़ी लोग कह रहे थे मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टोनर अप्लाई किया, और उसको कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद आपको विटामिन सी सीरम लगाना है। इस बात का ध्यान रखें, अगर आप विटामिन सी सीरम का यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी जैसे फेस गीला होता है ना, उसमें नहीं अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, सीरम लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लगाई है सनस्क्रीन, और उसमें जो यहाँ पे 2 फिंगर रूल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि मुझे भी पसंद आया है, तो मैं उसको आजकल अप्लाई करूँ, उसका फ़ायदा भी दिखाई देता है साथ ही साथ। और अपने बॉडी पर भी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, थोड़ा सा न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि डेली में इतना ठीक रहता है, इनफ है। अच्छा, एक नई चीज़ मैंने स्टार्ट करी है अभी, कुछ 2 ही दिन हुए हैं मुझे यहाँ पे अपने बालों में सीरम लगाए हुए। डेली आप सीरम लगाने के लिए, तो ये पहले मैं कर लूँ, फिर उसका रिज़ल्ट देख लूँ, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आजकल डेली यहाँ पे अपने बालों में सीरम लगा रही हूँ, और देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। बस बालों को मैंने छोटी कर ली है, और कुछ इस तरीके से मेरा स्किन केयर रहता है। अच्छा, सुबह हमने जो डिटॉक्स वाटर बना करके रखा था ना, वो अब कम्प्लीटली तैयार हो गया है पीने के लिए। तो अब से मैं स्टार्ट करूँगी डिटॉक्स वाटर पीना, और जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं इसको पीती रहूँगी। अच्छा, ऐसा नहीं है केवल एक बॉटल ही मैं पानी पीती हूँ, तो एक बॉटल डिटॉक्स वाटर पीऊँगी, और बाकी मैं पूरे दिन में घड़े का पानी, जैसे नॉर्मल पानी है, वो पीने वाली हूँ। तो इस तरीके से मेरा रहता है पूरे दिन का। और अब मैं अपना कुछ काम करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है मेरे पास 11 के आने से पहले, फिर जितना काम कर सकते हैं वो करती हूँ। और ये टाइम होता है लंच से पहले कुछ खाने पीने का, तो यहाँ पे ज़्यादातर चाट बन जाती है या फिर फल फ्रूट्स कर जाते हैं, तो उस तरीके से मैं खा लेती हूँ। तो अभी तो मैं आपके सामने बैठ के खा रही हूँ, नॉर्मली किचन में खड़े होके ही खा लिया जाता है। तो देखिए, अब मुझे थोड़ा समय मिला है कि मैं अपना यूट्यूब का थोड़ा काम देख सकूं, और हालांकि 2-2.5 साल से मैं यूट्यूब से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, लेकिन फाइनली अब जब चीजें दोबारा स्टार्ट करी तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपके कमेंट्स के रिप्लाई करना, ईमेल्स के रिप्लाई करना, और वीडियो को शूट करना, तो ये सब चीजें करते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आज जो मैंने आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। देखिए, बच्चों के साथ ना चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती ही रहती हैं, बस मैनेज करते रहना चाहिए, और फैमिली है साथ में, तो उन लोगों का सपोर्ट है, तो और भी अच्छा ही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो को देख के आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी लाइफ में या फिर मॉर्निंग रूटीन में कुछ चीजों को एड ऑन कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ठीक है, जब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।